हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसका नाम नानफंग है, जिसके पास उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है और वो उसके बारे में सोचने लगता है, जो कि उसके क्लोज आती है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही होती है। उसका नाम तियान है, लेकिन नानफंग की शादी तियान से नहीं हो रही थी, उसके ग्रैंडपा उसकी शादी किसी और से करवा रहे थे, जो कि हमारी कहानी की हीरोइन है जिसका नाम सियोंग है। उसको उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, उसे कहती है कि तुमने मुझे अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया, तो वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरी शादी यूँ अचानक हो जाएगी। देन हम देखते हैं कि तियान वेडिंग ड्रेस पहनकर आती है और सियोंग से कहती है कि तुम मेरे प्यार को नहीं छीन सकती हो। नानफंग सिर्फ मेरा है और वो बातों बातों में सियोंग के क्लोज आ जाती है और खुद को ही चाकू मार लेती है। और तभी वहाँ पर नानफंग आ जाता है, वो सारा ब्लेम सियोंग पर लगा देती है और नानफंग भी उसकी बातों में आ जाता है। लेकिन नानफंग के ग्रैंडपा ने ऊपर से सब कुछ देख लिया था और वो नानफंग की शादी सियोंग से ही करवाते हैं। दिन सियोंग रूम में बैठी होती है और नानफंग उसे आकर कहता है कि तुम गलतफहमी में मत रहना, मैं कभी भी तुम्हें अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं करूँगा और ना ही मैं तुमसे कभी प्यार करूँगा, और जिस तरह तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दी है वैसे ही मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूँगा। सियोंग उसे एक्सप्लेन करने के लिए आती है, तभी वो उसके ऊपर गिर जाती है। नानफंग उसे प्यार से टच करने लगता है, फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और उसे उठने के लिए कहता है, फिर वो वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में सियोंग खाना बना रही होती है, तभी वहाँ पर मैड आती है और उसे कहती है कि आप नानफंग के लिए रोज़ अपने हाथों से खाना बनाती है लेकिन वो कभी ट्राई नहीं करते, अब क्यों इतना परेशान होती हैं। तो सियोंग कहती है कि बस मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तभी उसके पास तियान का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आज तुम्हारा हस्बैंड मेरे साथ डिनर करेगा, तुम उसका वेट मत करना। जिसके बाद सियोंग उसकी फ्रेंड के साथ बैठी होती है, उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो सियोंग कहती है कि उसने अभी तक मुझे टच भी नहीं किया है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। तभी उसे उसकी मैट का कॉल आता है, उसे बताती है कि आपके इन-लॉज घर आई हुई है, आप जल्दी आ जाइए। सियोंग जल्दी से घर पहुंचती है जहां पर वो देखती है कि नानफंग की मॉम और सिस्टर आई हुई थी। नानफंग की सिस्टर सियोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और वो उसे कहती है कि पता नहीं ग्रैंडपा ने तुम्हें क्या देखा और तुम्हारी भैया से शादी करवा दी, और उसे बहुत बदतमीजी करने लगती है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच फाइट होने लग जाती है, और उन दोनों को रोकने के लिए जब उनकी माँ खड़ी होती है तो वो गिर जाती है। अभी वहाँ पर नानफंग आ जाता है और ऑब्वियसली नानफंग यही समझेगा कि ये सब सियोंग ने किया है। सियोंग उसे एक्सप्लेन करती है लेकिन नानफंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे डांटने लगता है। तो बेचारी सियोंग वहाँ से रोते हुए चली जाती है। वो ये सोचते हुए जा रही थी कि किस तरह नानफंग ने उसे गुंडों से बचाया था और जब उसने उसे फर्स्ट टाइम देखा था तभी उसे उससे प्यार हो गया था। फिर वो ये भी सोचती है लेकिन जब से उसकी शादी हुई है तब से उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो गई है, कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है, और ये सब सोचकर वो बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और सियोंग को उठाकर कहता है कि सियोंग तुम ठीक हो। सियोंग को लगता है कि शायद नानफंग होगा, लेकिन वो नानफंग नहीं रहता, वो कोई और रहता है जिसका नाम इरीश है, जो कि सियोंग को बहुत लाइक करता है। वो सियोंग को घर लेकर जाता है जहाँ पर सियोंग की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो वो उसे पकड़ लेता है और ये सब नानफंग विंडो से देख लेता है। सियोंग घर आकर कहती है कि नानफंग तुमने लाइट क्यों ऑफ करके रखे हैं। तो नानफंग उससे कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी ना। सियोंग उसे कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, लेकिन नानफंग उसे कहता है कि ज़्यादा इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सुनकर सियोंग को गुस्सा आ जाता है, वो उसे मारने जाती है लेकिन नानफंग उसका हाथ पकड़ लेता है, तभी वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। नानफंग उसे पकड़कर बेड पर सुलाता है और उसे चेक करता है तो उसे बहुत ज़्यादा फीवर था, और वो बेहोशी की हालत में ही कह रही होती है कि नानफंग मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है। नानफंग को भी बुरा फील हो रहा था, तभी उसकी मॉम का कॉल आता है, वो उसे कहती है कि तियान तुमसे मिलना चाहती है। इधर नानफंग की मॉम तियान के पास बैठी होती है और उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरी बहू तुम ही बनोगी, सियोंग बहुत जल्दी घर से चली जाएगी। फिर जब नानफंग तियान से मिलने आता है तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ, और उसके सामने बहुत रोना धोना करने लगती है। और इधर सियोंग की तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, पानी पीने के लिए ग्लास उठाती है तो ग्लास उसके हाथ से गिर जाता है और वो गलती से उस पर पैर रख देती है। फिर वो बेहोशी की हालत में ही अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी फ्रेंड जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है तो वहाँ पर देखती है कि उसका हस्बैंड तियान के साथ बिजी था। ये देखकर उसकी फ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पता नहीं तुम इसके साथ कैसे रह रही हो, तुम्हें उससे डिवोर्स ले लेना चाहिए। तभी वहाँ पर ईरान भी आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम उसका जाति क्यों सह रही हो इतना, तुम उसको डिवोर्स क्यों नहीं दे देती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा और तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। जिसके बाद नेक्स्ट डे जब सियोंग ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड को ऑफिस से निकाल दिया गया है। जब सियोंग घर जाती है तो वो नानफंग से पूछती है कि तुमने मेरी फ्रेंड को काम से क्यों निकाल दिया। तो नानफंग कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड बहुत ज़्यादा बोल रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
सियोंग उसे कहती है कि जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा ना, तब तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा। वो उसके क्लोज जाने लगता है, तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो ना, मुझे सब पता चल रहा है। तुमने अपनी कंपनी के सारे शेयर तियान की कंपनी के नाम पर कर दिए हैं ना, तुम प्यार में अंधे हो गए हो, तुम सारा कुछ उसे कैसे दे सकते हो, और तुम्हारी अपनी वाइफ है, तुम उसका ध्यान रखो। फिर जब ग्रैंडपा ननफंग को पनिशमेंट दे रहे थे, तब बीच में सियोंग आ जाती है और उसे बचा लेती है, और वो ग्रैंडपा से कहती है कि प्लीज़ आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। ग्रैंडपा ननफंग से कहते हैं कि तुम्हें अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करना चाहिए, देखो वो तुम्हारी कितनी केयर करती है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद ननफंग बेड पे लेटा रहता है और सियोंग उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है और उससे पूछती है कि मैं मेडिसिन लगा दूँ, तो ननफंग कुछ नहीं कहता है, तो फिर वो मेडिसिन लगाने लगती है। फिर ननफंग उसे कहता है कि मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। फिर वो जाती रहती है तो उसे कहता है कि तुम्हें भी तो चोट आई थी ना, तुम भी ये मेडिसिन लगा लेना। नेक्स्ट सीन में ननफंग एक बार में बैठा रहता है और ड्रिंक कर रहा होता है और बार बार सियोंग के बारे में ही सोच रहा था, तभी वहाँ पर तियान आती है। वो उसे कहती है कि क्यों ना हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करें और नाइट भी स्पेंड करें, लेकिन ननफंग उसे हटा देता है और घर आ जाता है, जहाँ पर सियोंग डिनर पर उसका वेट कर रही होती है। सियोंग ननफंग के पास जाके पूछती है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की है। ननफंग सियोंग के ऊपर गिर जाता है और उसे किस करने जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक मुंह पर हाथ रख लेता है और रूम में चले जाता है, जहाँ पर फिर सियोंग उसके लिए केक लेकर आती है और उसे बर्थडे विश करती है। फिर वो केक कट करता है और सियोंग फिर उसे अपने हाथों से केक खिलाती है और उससे पूछती है कि टेस्ट कैसा है, तो वो कहता है कि तुम्हें ट्राई करना है। फिर उसे किस कर लेता है और कहता है कि अब बताओ कैसा लगा टेस्ट। फिर वो उसे वापस से किस करता है और किस करते हुए बेड पर ले जाता है। फिर वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। फिर सुबह जब सियोंग उठती है तो वो सोचती है कि फाइनली आज मैं तुम्हारी रियल वाइफ बन गई हूँ, लेकिन ननफंग नींद में सिर्फ तियान का नाम लिए जा रहा था। ये सुनकर सियोंग को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ननफंग बोल रहा था कि तियान मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता हूँ, मैं सियोंग से प्यार करने लगा हूँ। ननफंग जब उठता है तो वो रात की बात याद करता है, कहता है कि तुम उतनी बुरी नहीं हो जितना मैंने सोचा था। वो जब उठता है तो टेबल पर एक पेपर रखा होता है जिसपे सिग्नेचर किए थे और उस पर एक रिंग भी रखी हुई थी। जब वो उसे देखता है तो एक्चुअल में वो डिवोर्स पेपर होते हैं। वो सोचता है कि मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हैं। फिर वो भागते भागते घर से निकलता है और अपने सिक्योरिटी को कॉल करता है और सियोंग के घर पर उसे देखने को कहता है। फिर हमें पता चलता है कि ननफंग की जेब में डिवोर्स पेपर तियान ने रखे थे, और सुबह जब सियोंग को डिवोर्स पेपर मिलते हैं तो उसे लगता है कि ननफंग उससे डिवोर्स लेना चाहता है, वो उससे कभी प्यार नहीं करेगा, इसलिए वो डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और वो चली जाती है। इधर सियोंग जा रही होती है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और इधर ननफंग सियोंग की फ्रेंड के पास जाता है और उससे सियोंग के बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर सियोंग को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी ननफंग को उसकी मॉम का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि दादाजी की तबीयत ख़राब हो गई है। वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचता है। फिर जब वो अपने ग्रैंडपा के पास जाता है तो उसके ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि सियोंग तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि तुम उससे शादी नहीं करना चाहते थे, और कहते हैं कि तुम तियान से प्यार करते थे ना, इसलिए वो चाहती थी कि तुम तियान से ही शादी करो। तो ग्रैंडपा ने ही सियोंग से कहा था कि सियोंग मुझे पता है कि तुमसे अच्छी लड़की ननफंग को मिल ही नहीं सकती, उसने अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे एक ऐसी लड़की मिले जो हर सिचुएशन में उसे समझे और उसे प्यार करे बिना किसी स्वार्थ के, जो कि तुम हो। ये सब बताने के बाद ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि मेरा ये तुम्हारे लिए तोहफा है जिसे संभाल के रखना, अगर तुमने उसे खो दिया तो ज़िंदगी भर पछताओगे। जब सियोंग ग्रैंडपा को देखने के लिए आ रही होती है तभी वहाँ पर ननफंग आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम उस दिन गायब हो गई थी और आज अचानक से आ गई हो, थी कहाँ तुम? तो सियोंग कहती है कि तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और वो ये भी कहती है कि मेरे लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन यही था कि मैंने तुमसे शादी की और मैंने तुम्हारे साथ 6 महीने तक सफ़र किया इस उम्मीद में कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि तुम पत्थर दिल इंसान हो, तुम्हें कभी प्यार हो ही नहीं सकता। ये सब सुनकर ननफंग को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कह देता है कि ठीक है, मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, और वो घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो बार बार सियोंग के बारे में ही सोचे जा रहा था। फिर जब मैड आती है तो ननफंग मैड से पूछता है कि घर का डेकोरेशन किसने चेंज किया है, तो मैड बताती है कि तियान ने किया है, तो वो तियान को डांटने लगता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो सोचता है कि किस तरह सियोंग उसके लिए रोज़ नए फ्लावर लेकर आती थी और उसे ब्रेकफास्ट के लिए जगाती थी। फिर उसे फील होता है कि वो सियोंग से बहुत प्यार करने लगा है। फिर जब वो कबर्ड खोलता है तो वहाँ पर उसे सियोंग के फ़ोटोज़ मिलते हैं जिन्हें वो देख रहा होता है। फिर उसे एक डायरी मिलती है जिसमें सियोंग ने हर दिन के बारे में लिखा होता है, जिसमें उसे एक पेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि सियोंग अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती थी और उसे उससे पहला प्यार कब हुआ था।
फिर जब वो आगे पढ़ता है तो उसमें ये भी लिखा रहता है कि शादी के बाद उसकी लाइफ कैसी हो गई थी और उसने कितना सफ़र किया है। ये सब पढ़ने के बाद वो बहुत पछता रहा था। जिसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ननफंग कार में होता है और तियान उसे बार बार कॉल किए जा रही थी, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करता और फ़ोन को साइड में रख देता है और यही सोचता है कि सियोंग तुम कहाँ हो, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। देन ननफंग एक पार्टी में जाता है जहाँ पर वो सियोंग को देखता है ईरान के साथ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ननफंग एक पार्टी में जाता है जहाँ पर वो सियोंग को देखता है, फिर वो उसे खींच कर लाता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी इतने सालों से, ना तुमने मुझे कोई कॉल किया ना कोई मैसेज। तो वो उससे कहती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और प्लीज़ तुम मेरी लाइफ से दूर रहो। और वो जाने लगती है तो ननफंग उसे रोक लेता है और वो गिरने लगती है तो ननफंग उसे संभाल लेता है। तभी दोनों को साथ में स्पेंड की गई नाइट की मेमोरीज याद आने लगती है। वो पीछे हटती है तभी वहाँ पर ईरान आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, ननफंग को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। फिर ननफंग कहता है कि ईरान ये मेरी वाइफ है। तो ईरान कहता है कि ये तुम्हारी एक्स वाइफ है। फिर ईरान सियोंग के कंधे पर हाथ रखता है और उसके फॉरहेड पर किस करता है। ये देखकर ननफंग बहुत ही जेलस होता है और उसे एक पंच भी मार देता है। ये देखकर सियोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो भी उसे एक स्लैप मार देती है और कहती है कि प्लीज़ तुम मेरी लाइफ से दूर रहो। जिसके बाद ननफंग जब ऑफिस में बैठा होता है तो उसका पीए आकर बताता है कि बाहर तियान आई है आपसे मिलने के लिए। तो वो कहता है कि मैं उससे अभी नहीं मिलना चाहता। तो पीए बाहर जाकर तियान से कहता है कि बॉस आपसे नहीं मिलना चाहते हैं, वो अभी बहुत ज़्यादा बिजी है। फिर तियान पीए से पूछती है कि क्या तुम्हारे बॉस सियोंग से मिले हैं? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता और वो वहाँ से चले जाता है। तियान सोचने लगती है कि अगर वो सियोंग से मिला और उसे सब सच्चाई पता चल जाएगी तो मैं क्या करूँगी। जिसके बाद सियोंग बॉक्स लेकर जा रही होती है तभी तियान आती है और उसे धक्का देकर उसका बॉक्स नीचे गिरा देती है। तो सियोंग अपना सामान उठाने लगती है तभी वहाँ पर ननफंग की सिस्टर आ जाती है और दोनों मिलकर उसको बुली करने लगती है और उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छी एम्प्लॉय बनोगी, तुम्हारी औकात यही है, और उसे कॉफ़ी लाने के लिए भी कहती है। सियोंग उनके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। जब वो कॉफ़ी पीती है तो एक्चुअली सियोंग ने उसमें नमक डाल दिया था। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आती है और वो सियोंग से कहती है कि डायरेक्टर सभी लोग आपका अंदर वेट कर रहे हैं मीटिंग के लिए। ये सुनकर दोनों बहुत शॉक्ड होती है और पूछती है कि तुम डायरेक्टर हो? वो कहती है कि हाँ, और वो मीटिंग में चली जाती है। जिसके बाद जब सियोंग घर जा रही होती है तभी वहाँ पर ननफंग आ जाता है और उसे अपने साथ डिनर करने जाने के लिए कहता है। तो सियोंग उसे कहती है कि मैं आज फ्री नहीं हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ आज मेरी डेट है। तभी ननफंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा, और ज़बरदस्ती उसको लेकर जाता है। ईरान भी उन लोगों को देख लेता है। इधर ननफंग सियोंग को अपने कैबिन में लेकर आता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। तो सियोंग कहती है कि मेरा टाइम बहुत कीमती है और तुम्हारे लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ननफंग उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तुम फ्रांस गई थी ना? तभी सियोंग को ईरान का कॉल आता है और वो पूछता है कि तुम कहाँ हो? तो वो बताती है कि मैं यहाँ पर हूँ, ननफंग मुझे ज़बरदस्ती लेकर आया है। तभी ननफंग उससे मोबाइल छीन लेता है और वो ईरान से कहता है कि ये तुम्हारे साथ डेट वेट पे नहीं जाने वाली है, ये मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगी, और कॉल कट कर देता है। फिर वो उससे अपना फ़ोन लेने की कोशिश करती है, इसी वजह से वो उसके ऊपर गिर जाती है। तभी वहाँ पर तियान आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देख कर बहुत गुस्सा करने लगती है, कहती है कि ये क्या कर रहे हो। सियोंग उसे स्माइल पास करते हुए बाहर चली जाती है। फिर तियान ननफंग से कहती है कि मैं तुम्हें 5 साल से बोल रही हूँ कि मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी मॉम भी तुमसे यही कह रही है, हर बार मना क्यों कर देते हो, मैं ये सुन सुनकर थक गई हूँ। ननफंग उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं अब सियोंग से प्यार करता हूँ। देन हम देखते हैं कि ननफंग की माँ सियोंग से मिलती है और उसे कहती है अपने बेटे की लाइफ से जाने के लिए। सियोंग कहती है कि मैं इतनी भी सस्ती नहीं हूँ, क्या आप मुझे सारी प्रॉपर्टी दे सकती हैं? ननफंग की माँ कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, और वो गुस्से से उसे मारने लगती है। तभी वहाँ पर ननफंग आ जाता है और अपनी माँ को रोक देता है। तभी वहाँ पर सियोंग को उसकी फ्रेंड मिलती है, एक्चुअली उसकी फ्रेंड ही ननफंग को लेकर आई थी। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि ननफंग की माँ ने तुम्हें कुछ कहा क्या? तो वो कहती है कि नहीं, तुम सही टाइम पर आई। जिसके बाद ननफंग अपनी माँ से कहता है कि मैंने आपको कितनी बार कहा है कि प्लीज़ मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए, और वो कहता है कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सियोंग से करूँगा, और आप तियान को समझा दीजिए कि मैं उससे शादी नहीं करने वाला। उसकी माँ उससे कहती है कि सियोंग अच्छी लड़की नहीं है, वो तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर देगी। लेकिन ननफंग उनकी कोई बात भी नहीं सुन रहा था और उनसे कहता है कि मैं 5 साल से उसे ढूंढ रहा हूँ, फाइनली वो आ गई है। जिसके बाद एक चैरिटी पार्टी होती है जहाँ पर ईरान और सियोंग को इनवाइट किया था। जैसे ये बात ननफंग को पता चलती है वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जिसके बाद वहाँ का एंकर सियोंग को स्टेज पर ले जाता है और कहता है कि आज के हमारी स्पेशल गेस्ट यही है।
जिसके बाद सियोंग जो इयररिंग पहनी हुई थी उसके सभी प्राइस लगाने लगते हैं, लेकिन ननफंग सबसे ज़्यादा प्राइस लगाता है और वो इयररिंग खरीद लेता है। फिर सियोंग उसे इयररिंग देने लगती है तो ननफंग कहता है कि मुझे इयररिंग नहीं चाहिए, ये तुम पर बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये पैसे तो मैं बस चैरिटी में देना चाहता हूँ। फिर वो सियोंग के पास ड्रिंक लेकर जाता है और पीने लगता है, लेकिन सियोंग ड्रिंक नहीं पीती है। वो सियोंग से ये भी कहता है कि वेलकम बैक, तो सियोंग उससे कहती है कि प्लीज़ मेरी लाइफ से दूर रहो और कहती है कि सब लोग देख रहे हैं। तो ननफंग कहता है कि सब लोग देख रहे हैं या ईरान देख रहा है, तो वो कहती है कि हाँ ईरान भी। ननफंग उससे पूछता है कि क्या तुम लोग डेट कर रहे हो, तो वो कहती है कि हाँ। ये सुनकर ननफंग उसको क्लोज करके कहता है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकती हो। ये देख के सियोंग को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। ईरान भी उसके पीछे चला जाता है और फिर उससे पूछता है कि क्या तुमने ननफंग को माफ़ कर दिया है, तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं। तभी उसकी फ्रेंड उसकी गुड़िया को लेकर आती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो क्यूट सी गुड़िया कहती है कि इंटेलिजेंट होना तो अच्छी बात होती है ना। तभी उनकी कोई फ़ोटो ले रहा था, जिसके बाद ननफंग ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास तियान आती है और उसे वो फ़ोटो दिखा कर कहती है कि सियोंग अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है, उसके पास हस्बैंड और बेटी भी है, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो। तो ननफंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आज उसके आँखों में मेरे लिए प्यार देखा है। नेक्स्ट डे सियोंग अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है और टीचर से कहती है कि इसका अच्छे से ध्यान रखना। उसके जाने के बाद ननफंग आता है और वो अपनी बेटी से पूछता है कि बेटी कैसी हो। जिसके बाद जब सियोंग मीटिंग में होती है तो उसे कॉल आता है कि उसकी बेटी मिस हो गई है। और इधर हम देखते हैं कि सियोंग की बेटी ननफंग के साथ थी, वो उसको आइसक्रीम देता है लेकिन वो आइसक्रीम नहीं खा रही होती। तो ननफंग उससे पूछता है कि बेटी आइसक्रीम क्यों नहीं खा रही हो, तो वो कहती है कि मैं आपको नहीं जानती और मम्मा ने कहा है कि कोई भी स्ट्रेंजर कोई चीज़ दे तो नहीं खाना चाहिए। तो ननफंग उसे कहता है कि मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। तो वो ननफंग से कहती है कि मेरा नाम सुयू है। जब ननफंग सुयू को लेकर आता है तो सियोंग बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, वो उससे कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। जब सियोंग उसको लेकर जा रही होती है तो ननफंग उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और उससे कहता है कि ये मेरी बेटी है, तुम मुझसे कैसे छुपा सकती हो। तो सियोंग कहती है कि ये बहुत छोटी है, इसके सामने ये सब मत बोलो। और वो अपनी बेटी से कहती है कि जुयू तुम अंदर चली जाओ, मुझे अंकल से कुछ बात करनी है। फिर सियोंग कहती है कि ये मेरी बेटी है, तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हें तो बस मुझसे डिवोर्स चाहिए था ना। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब सियोंग का एक्सीडेंट हुआ था तो वो हॉस्पिटल गई थी, जहाँ पर उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। और जब वो ननफंग को बताने जा रही थी तो वो देखती है कि वो तियान के साथ हैं। ये देखकर वो मन बना लेती है कि वो अब ननफंग की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएगी और अपनी लाइफ वो अपने बच्चे के साथ स्पेंड करेगी। प्रेजेंट में ननफंग उससे कहता है कि प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। सियोंग कहती है कि तुमने मुझे अपनी लाइफ से निकाला, तुमने मुझे डिवोर्स दिया, अब मैं तुम्हारी लाइफ में वापस क्यों आऊँ, मैंने तुम्हारे साथ 6 महीने तक सफ़र किया, अब मैं दोबारा सफ़र नहीं करना चाहती। और वो जाने लगती है, तभी ननफंग कहता है कि तुम बैठो मैं चले जाता हूँ, और वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे सियोंग जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही होती है तभी वहाँ पर ननफंग आ जाता है और उसे कहता है कि मैं छोड़ दूँगा वरना तुम्हें लेट हो जाएगा, और ननफंग उसे अपने केबिन में लेकर आ जाता है। इधर सियोंग एक क्लाइंट से मिलने गई थी जिसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे, और सियोंग जब वॉशरूम जाती है तो उसकी ड्रिंक में भी कुछ मिला देता है। हम देखते हैं कि सियोंग जिस क्लाइंट से मिलने गई थी उसने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। और इधर तियान ननफंग के ऑफिस जाती है और सोचती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो लड़की ननफंग की डॉटर होगी, अब ननफंग मुझसे शादी करेगा या नहीं। जिसके बाद वो जुयू के पास जाती है और उसे कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए डॉल लेकर आई हूँ, तो वो कहती है कि थैंक यू आंटी, लेकिन मम्मा ने कहा है कि स्ट्रेंजर से कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं नहीं ले सकती। तो तियान उससे कहती है कि मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ, मैं आपकी होने वाली स्टेप मॉम हूँ, क्योंकि बहुत जल्द आपके डैड मुझसे शादी करने वाले हैं। ये सुनकर जुयू गुस्सा होकर उसको पिचकारी मारने लगती है और उससे कहती है कि मेरे डैड है मेरी मॉम से शादी करेंगे, आपसे नहीं। तभी वहाँ पर ननफंग आ जाता है, जुयू उससे कहती है कि मुझे स्टेप मॉम नहीं चाहिए, मेरे पास अपनी मॉम है। तो ननफंग उससे कहता है कि हाँ कोई स्टेप मॉम नहीं आने वाली है, मैं तुम और तुम्हारी मम्मा तीनों साथ में रहेंगे और मैं किसी से शादी नहीं करने वाला हूँ जुयू। तो तियान कहती कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। तो ननफंग कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, और पीए को बोलकर उसको बाहर निकलवा देता है। जिसके बाद जुयू ननफंग को डैड कहती है, ये सुनकर ननफंग बहुत खुश होता है। तभी ननफंग का पीए आकर उसको बताता है कि सियोंग एक क्लाइंट के साथ है जो कि उसके साथ मिसबिहेव कर रहा है। ननफंग जल्दी से वहाँ पर पहुँचता है और सियोंग को बचा लेता है। जब ननफंग उसे कार में बिठाता है तो वो पूरे नशे में होती है। ननफंग उसे जब प्यार से सहलाता है तो वो कहती है कि मुझसे दूर रहो। जब ननफंग उसे घर ले जाकर बेड पर सुलाता है तो वो उसको किस करने लगती है।
सुबह जब सियोंग उठती है तो रात की बात याद करती है और अपने कपड़े चेक करने लगती है, जो कि ठीक ही होते हैं क्योंकि ननफंग ने उसके साथ कुछ नहीं किया था। जिसके बाद वो रूम से बाहर जाती है तो देखती है कि ननफंग उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। ये देखकर उसे अपने पुराने मोमेंट्स याद आते हैं जब वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी और वो नहीं खाता था, तो वो भी वही करती है। वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है। जिसके बाद सियोंग ननफंग को कल के लिए थैंक यू कहती है। ननफंग उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे दोबारा से शादी करोगी, तो सियोंग कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। तो ननफंग कहता है कि मैंने तुमसे माफ़ी भी मांग ली है, अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। जिसके बाद हम ईरान और सियोंग को डिनर पर देखते हैं, जहाँ पर ईरान उसको रिंग देकर प्रपोज करता है लेकिन सियोंग मना कर देती है। फिर ईरान वहाँ पर ननफंग की सिस्टर को बुलाता है, जो आकर कहती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे बुलाओगे। ईरान उससे कहता है कि तुम्हारे नाम पर 5% शेयर है जो कि मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इसकी अच्छी प्राइस दूंगा। ननफंग की सिस्टर तो उसे पसंद करती थी इसलिए वो मान जाती है। नेक्स्ट डे ईरान को ननफंग की सिस्टर का कॉल आता है और वो पूछती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना, तो वो कहता है हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। देन हम देखते हैं कि तियान और ननफंग की सिस्टर बैठकर ड्रिंक कर रही होती हैं, दोनों को रिजेक्ट जो कर दिया था। तियान ननफंग की सिस्टर को सियोंग के खिलाफ बहुत भड़का देती है। ननफंग की सिस्टर भी कहती है कि मेरा भाई और ईरान दोनों उसे ही पसंद करते हैं, और वो गुस्से में जाती है और कार से सियोंग की तरफ बढ़ती है। तभी वहाँ पर ननफंग आता है और सियोंग को बचा लेता है, जिसकी वजह से ननफंग का एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ननफंग की सिस्टर अपनी माँ को बता देती है कि भाई का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। ये सुनकर उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो ये भी कहती है कि भाई ठीक है, उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है। और इधर ननफंग सियोंग से कुछ ज़्यादा ही खातिरदारी करा रहा होता है और उससे ये भी कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सियोंग कहती है कि मुझे लग रहा है कि अब तुम ठीक हो, और वो जाने लगती है। तो ननफंग एक्टिंग करने लगता है कि उसके सिर में दर्द हो रहा है, तो सियोंग वापस आ जाती है। जब सियोंग उसके पास जाती है तो ननफंग उसके कंधे पर सर रख देता है और वो समझ जाता है कि सियोंग उसे अभी भी प्यार करती है। एक दूसरे से बात करते करते वो क्लोज आने लगते हैं और एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर ननफंग की सिस्टर और मॉम आ जाती है, तो सियोंग कहती है कि मुझे जाना होगा। ननफंग उसे कहता है कि तुम प्लीज़ मुझसे कल मिलने ज़रूर आना, तो सियोंग कहती है कि देखूँगी। ननफंग की माँ ननफंग को समझाती है कि तुम प्लीज़ अपनी बहन को माफ़ कर देना, ये सब उसने तियान के कहने पर किया है। तो ननफंग कहता है कि सियोंग मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। फिर जब ननफंग की सिस्टर और माँ जा रही होती है तभी वहाँ पर तियान आती है, तो ननफंग की माँ उससे कहती है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहना। नेक्स्ट डे ननफंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। सियोंग उसे घर ड्रॉप करने आती है और वो जाने लगती है, तो ननफंग उसे कहता है कि क्या तुम घर के अंदर नहीं आओगे, तो सियोंग कहती है कि मैंने 6 महीने जो सफ़र किया था ना, इस घर में जाने से मेरी यादें ताज़ा हो जाएगी। ननफंग कहता है कि नहीं तुम्हें जाना ही होगा, और उसको ज़बरदस्ती गोद में उठा लेता है और अंदर लेकर जाता है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि सारा सामान वैसा ही था जैसा उसने शादी के टाइम पर डेकोरेट किया था। ननफंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना एक एक दिन कैसे जिया हूँ, मैंने इस डायरी में लिखा है, प्लीज़ ये डायरी एक बार पढ़ लेना। फिर जब सियोंग डायरी पढ़ रही होती है तब वो अपनी बेटी के साथ होती है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। जोई पूछती है कि मम्मा आप रो क्यों रही है, तो वो कहती है कि तुम्हारे डैड ने मेरे लिए जो लिखा है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इसलिए मैं रो रही हूँ। जोई कहती है कि मम्मा प्लीज़ आप डैड को माफ़ कर दीजिए, तो वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे डैड को माफ़ कर दूंगी क्योंकि उन्हें अब पछतावा हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ननफंग की सिस्टर और उसकी माँ जोई उसे मिलने के लिए आती है और उससे मिलकर बहुत खुश होती है, और वो दोनों सियोंग से माफ़ी भी मांगती है, सियोंग भी उन्हें माफ़ कर देती है। तभी सियोंग को तियान का मैसेज आता है कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में तियान छत पर खड़ी होती है और वो ननफंग से कहती है कि तुम मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम सियोंग के साथ नहीं रहोगे, तुम मुझसे शादी करोगे। तो ननफंग कहता है कि नहीं, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी बच्ची से भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, प्लीज़ तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। ये सुनकर वो बेहोश हो जाती है, वो लोग उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। देन ईरान ननफंग के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे हर चीज़ का बदला लूँगा, मैं सियोंग से प्यार करता था, तुमने मुझसे उसे भी छीन लिया, और कहता है कि मेरे पास इस कंपनी के ज़्यादा शेयर्स है इसलिए मैं आज से इस कंपनी का भी बॉस हूँ। देन सियोंग ननफंग के लिए पानी लेकर आती है और उसे कहती है कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो, तो ननफंग कहता है कि तुम मेरे साथ हो ना तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। फिर उसको किस करने लगता है और उसको गोद में उठाकर कहता है कि आज मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, और उसको रूम में लेकर जाता है। नेक्स्ट सीन में ननफंग सियोंग और जोई एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि आज वैलेंटाइन डे है और जो कपल किस करेंगे उन्हें बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। तो जोई कहती है कि मॉम डैड आप लोग किस कीजिए, मुझे गिफ्ट चाहिए, तो सियोंग कहती है कि अभी किस नहीं कर सकते, तो ननफंग कहता है कि क्यों नहीं कर सकते, और वो जोई की आँख कवर कर लेता है और उसे किस कर लेता है।
जिसके बाद जब ननफंग ऑफिस में होता है तो उसे जुही का कॉल आता है और वो कहती है कि पापा देखो ना मम्मा को क्या हो गया है, वो बेहोश हो गई है, मैं क्या करूँ, आप प्लीज़ जल्दी घर आ जाइए। जब ननफंग घर जाता है तो देखता है कि सियोंग नीचे बेहोश पड़ी है, वो उसे उठाकर सोफे पे लिटाता है और जब उसे होश आता है तो उसे कहता है कि तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो, देखो जुयू कितना डर गई थी। सियोंग जुयू से कहती है कि बेटा मैं ठीक हूँ और उसे सॉरी भी कहती है। फिर हम देखते हैं कि ननफंग सियोंग का ध्यान रखते रखते बैठे बैठे ही सो गया था। जब सियोंग की आँख खुलती है तो वो उसे देखती है तो उसे प्यार से टच करने लगती है, तभी ननफंग भी उठ जाता है। जब सियोंग बेड से उठने जाती है तो वो उठ नहीं पाती है, ननफंग उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो सियोंग कहते हैं कि मैं बहुत देर से बेड पे लेटी हूँ इसलिए शायद मेरे पैर नम हो गए हैं। ननफंग उसका पैर दबाने लगता है। नेक्स्ट सीन में शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है जहाँ पर ईरान कहता है कि इस कंपनी के ज़्यादा शेयर मेरे पास है इसलिए अब से मैं इस कंपनी का CEO हूँ। अब इस कंपनी का बॉस ननफंग नहीं है तो ननफंग कहता है कि वैसे भी मैं इस कंपनी को बेचने ही वाला था क्योंकि इस कंपनी का बैंकक्रप्ट होने वाला है। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं ग्रैंडफा ननफंग से कह रहे थे कि कंपनी बहुत जल्द बंद होने वाली है, इसे चलाने में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जब ननफंग को पता चलता है कि ईरान शेयर्स खरीद रहा है तो वो भी अपने शेयर्स बेचने लगा था जिसे कि ईरान ने दुगने दाम में खरीद लिया था और उन पैसों से ननफंग कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और ईरान ने उन शेयर्स को डबल कीमत में खरीद लिया जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब सियोंग घर पर जाती है तो उसकी फ्रेंड उसकी आंखें कवर कर देती है। जब आंखें खोलती है तो देखती है कि ननफंग उसे प्रपोज कर रहा होता है। ननफंग उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। सियोंग भी हाँ कर देती है। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं तो जुयू आंखें कवर कर लेती है। देन नेक्स्ट डे जब सियोंग ब्रेकफास्ट करने बैठती है तो उसे वॉमिटिंग फील हो रही थी तो ननफंग उससे पूछता है कि तुम ठीक हो, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता हूँ। तो वो कहती है कि मैं बीमार नहीं हूँ, बस जुयू की सिस्टर या फिर ब्रदर आने वाला है। ये सुनकर ननफंग बहुत खुश होता है और उसे उठा लेता है। फिर दोनों एक दूसरे को लव यू बोलते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामा एंड हो जाता है। ड्रामा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।